हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मेंटोस मोड। आज का वीडियो है टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल रे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जनरली दो टाइप्स का ऑप्टिकल रे होता है, एक होता है मेरिडियनल रे, एक होता है स्क्यू रे। तो यहाँ पे दोनों का डायग्राम मैं यहाँ पे प्रोवाइड किया हूँ, ठीक है, और दोनों का डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एग्जामिनेशन में डिफरेंस आते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट नोट किया हूँ दोनों का, जिसका डिफरेंस आप बना सकते हो, ठीक है। तो देखिए, ये जो फिगर है मेरिडियनल रे का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रे जो है वो इजिली प्रोपागेट कर रहा और ये नॉर्मली प्रोपागेट कर रहा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि कैसे नॉर्मली प्रोपागेशन होता है, वैसे ही प्रोपागेट कर रहा है। इसको वन प्लेन में हम कन्फाइन कर सकते हैं कि एक प्लेन में, मतलब कि 1D में, ठीक है। बट यहाँ पे स्क्यू रे में आप देख सकते हैं कि ये जो रे है हेलिकल पाथ फॉलो कर रहा और जिगजैग पाथ फॉलो कर रहा, ठीक है, लेकिन ये सिंपल पाथ फॉलो कर रहा। और इसको हम देखने के लिए, इसका जो रे का प्रोपगेशन है देखने के लिए सिंगल प्लेन नहीं यूज कर सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ स्क्यू रे में यहाँ पे दिखाया हो कैसे प्रोपगेट कर रहा है रे, तो ये सिंगल प्लेन में कन्फाइन कभी नहीं हो सकता, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो मेरिडियनल रे है, ये जो एक्सिस का ना ऑप्टिकल फाइबर का एक्सिस को क्रॉस कर देता है कभी कभी, बट ये कभी क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है, ये कोर में ही कन्फाइंड रहता है, ठीक है। और इसका न्यूमेरिकल अपर्चर्स इसके तुलना में कम रहता है, मतलब कि मेरिडियनल रे का न्यूमेरिकल अपर्चर्स स्क्यू रे से लेस रहता है, ठीक है, और स्क्यू रे का ज़्यादा रहता है। तो ये है डिफरेंस पॉइंट। अब आते हैं, मैं यहाँ पे पॉइंट डिफरेंस ऑलरेडी करके रखा हूँ, तो जो जो पॉइंट अभी डिस्कस किया वही लिखा हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहले हम मेरिडियनल रे देखते हैं, इट इज कन्फाइन या सिंगल प्लेन जो भी बताया, और द मेरिडियनल रे क्रॉसेस द एक्सिस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कभी कभी बोले कर देता है, और न्यूमेरिकल अपर्चर्स लेस देन स्क्यू रे, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ मेरिडियनल रे, बाउंड रे और अनबाउंड रे, लिख सकते हैं डिफरेंस बढ़ाने के लिए, और इसका एक एग्जांपल भी दे सकते हैं। अगर मेरिडियनल रे का एग्जांपल देना तो लिख देंगे मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, जैसे करके बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब आते हैं स्क्यू रे में, ठीक है, स्क्यू रे में क्या होता है, इट इज नॉट कन्फाइंड इन अ सिंगल प्लेन, इट डज नॉट क्रॉस द एक्सिस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, और स्क्यू रे फॉलो द हेलिकल और जिगजैग पाथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरिडियनल रे डज नॉट फॉलो द हॉर्टिकल और जिगजैग पाथ, ओके, न्यूमेरिकल अपर्चर ग्रेटर देन मेरिडियनल रे, ठीक है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है और पॉइंट है, अगर डिफरेंस नहीं आता तो ये पॉइंट भी आप लिख देंगे तो एग्जामिनेशन में आपको मार्क्स मिलना ही है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल देखना है, स्क्यू रे का एग्जाम्पल क्या होगा, मल्टी मोड स्केप इंडेक्स फाइबर, ठीक है, और इसका क्या होगा, मेरिडियनल रे का क्या होगा, मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।